कहाँ जाऊँ? अब तक जाग रही हो तुम? जाओ जाके सो जाओ। मुझे आपसे कुछ कहना है। वो आज जो कुछ भी हुआ, वो पुलिस अंकल, वो सब सच है। और ये बात पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है, समझी तुम? फॉर गॉड सेक, अब इस चैप्टर को पूरी तरह से बंद करो, क्योंकि तुमने मुझे ऑलरेडी बहुत तकलीफ पहुंचाई है रसाल। हर दिन मेरी ताई जी पे झूठा इल्जाम लगाती हो तुम। यू नो वॉट, अब जिंदगी में किसी भी बात पे यकीन नहीं करूंगा मैं तुम्हारी। मैं अपनी कोख में पल रहे हमारे बच्चे की कसम खाती हूँ। खबरदार, खबरदार, अगर तुमने मेरे होने वाले बच्चे की कसम खाने के बारे में सोचा भी तो। तुम्हारे बाप की वजह से मैंने अपना पूरा परिवार खो दिया। नहीं, ये बच्चा आने वाले कल में मेरी दुनिया, मेरा परिवार होगा। तो गलती से भी इसकी झूठी कसम खा के इसकी जिंदगी को खतरा पहुंचाने की सोचना भी मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस बच्चे का ख्याल रखो, ना कि इसे अपने खेल का हिस्सा बनाओ। पर मैं झूठ नहीं बोल रही। पुलिस अंकल ने जो भी कहा वो झूठ कहा था। मेरा यकीन करिए। इनफ इज इनफ यार, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं कि इस बच्चे को बख्श दो। गलती से भी मत सोचना कि थोड़ी देर पहले जो मैंने हमारी शादी की बातें तुमसे की वो सिर्फ बातें थी। नहीं, I'm very serious। तुम्हें याद है तुम मेरे लिए शादी का जोड़ा लाए थे? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे ही शादी करोगे। आज वो दिन आ गया। आज मैं ये जोड़ा पहन के तुम्हारा इंतजार करूंगी। समय अब तुम इस चीज को हटा नहीं सकते। हमारे पास ना सिर्फ 2 घंटे हैं। मैं ये जोड़ा पहन के पास वाले गांव के मंदिर जा रही हूँ। तुम वहीं आ जाना, मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। What? क्या बोल रही हो तुम? अभी कैसे? हाँ अभी। मेनका ने मुझे सिर्फ आज रात तक का टाइम दिया कि मैं दूल्हा बन के गांव वाले मंदिर पहुंचूं और उससे शादी करूं। भाई साहब बैठ। क्या बात है लड्डू, कहां थी तू? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? आज सवेरे भी जब मैं तारे कमरे में तोहफे लेके आया था ना, मैंने तब भी देखा था कि तारा चेहरा उदास था। समर और तेरे बीच में कुछ हुआ है क्या? बता मैंने। नहीं भाई साहब, बताया था ना आपको, होली मासा और बापूसा की याद आ रही थी तो आज पूरा दिन मन भरा हुआ था। ये सब छोड़िए भाई साहब, ये बताइए मेनका जी कैसी है? पहले तू बता कि पक्का यही बात है कि तुम्हारे से कुछ छुपा रही है? जी भाई साहब, कोई बात ना है, आप जाके आराम करिए ना।
आपके घाव अभी तक भरे भी ना है और आप इंतजाम करने में लग गए पूरा दिन। आप अपने कमरे में जाइए और आराम करिए, मैं भी बस दूध पी के सो जाऊंगी। ठीक से कुछ तो है जो रसाल मारे से छुपा रही है, मन ने पता लगाना ही होगा।